नमस्कार। हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना में रणनीतिक साझेदार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की सहायता के अलावा अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1923 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की यह परियोजना 570 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार 10 सालों तक परियोजना की परिचालन लागत वहन करेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में 5 MLD क्षमता वाला कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क समेत कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क को अति शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि यह बल्क ड्रग पार्क राजस्व सृजन में सहायक होगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करवाएगा। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार निर्दलीय विधायकों को प्रताड़ित कर रही थी, इसीलिए वो बीजेपी से विधायक चुनकर आना स्वीकार किए हैं। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि बीजेपी तीनों सीटों पर जीतेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू केवल सत्ता और कुर्सी बचाने में लगे हैं। इधर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। इसके साथ ही जल संकट को लेकर भी जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला का चक्कर लगा रहे हैं। अगर हिमाचल में अपने पास पानी की कमी है या नहीं तो प्रभावी ढंग से सीएम को पक्ष रखना चाहिए। वहीं सीपीएस को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जमकर हमला बोला। इस बात को बड़ा स्पष्ट कर चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं है, और ये स्थिति इसलिए बनी है कि मुख्यमंत्री और अधिकारी सिर्फ सरकार बचाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे हैं और सरकार के अधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सरकार को किस प्रकार से जो है हिफाजत उसको दे सके, यानी कि उसको सुरक्षित कैसे कर सके। ठीक लोकसभा के चुनाव से एक दिन पहले त्यागपत्र स्वीकार किए गए और अब उपचुनाव हो रहे हैं और उस उपचुनाव की परिस्थिति हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों विधानसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय विधायक रहे, जिन्होंने राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उनको कैंडिडेट घोषित किया है। पिछले कल जगत सिंह नेगी जी बोल रहे थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे, हमने तो जजमेंट का जिक्र, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट का जिक्र नहीं किया, हमने तो जिक्र एक बात का किया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सीपीएस के मामले में पहले आई है, हाईकोर्ट की जजमेंट्स भी आई है। अगर उस पर हम गौर करें, उस पर हम गौर करें तो निश्चित रूप से ये सीपीएस जो 6 नियुक्त किए हैं ये गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किए गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के लंबित मामलों को जल्द निपटाने के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए अगले एक साल तक जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारी नहीं बदलने का निर्णय लिया गया है, ताकि अधिकारियों को एक्ट के तहत स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए और मामलों का निपटारा हो सके। प्रदेश में 5 से 6 हजार मामले एफआरए क्लियरेंस में लटके पड़े हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एफआरए एक्ट 2006 के कार्यान्वयन को लेकर आज शिमला सचिवालय में संबंधित अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान निर्देश दिए। कार्यशाला में इस कानून की बारीकियों की जानकारी दी गई, जिसमें अधिकारियों और स्थानीय निकायों, जिला परिषद और पंचायत के प्रतिनिधियों सहित एनजीओ के सदस्य भी शामिल हुए। जगत नेगी ने बताया कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारी स्तर पर होने वाली कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये 2006 में यूपीए गवर्नमेंट, जब कांग्रेस के गठबंधन सरकार थी, उसमें लाया गया। ये बहुत ही महत्व का ऐतिहासिक जो है एक एक्ट है,
जिस किस्म का मनरेगा भी उसी दौरान आया था। तो इस एक्ट के तहत जो है करोड़ों देश में हमारे जो है ज्यादातर जनजाति लोग हैं या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जिनको जमीन का हक नहीं मिला है, और इस कानून के तहत उनको जो है जमीन में जो है उनके राइट्स देने का है, उनको जो है पट्टे देकर मालिक का हक देने की बात है। तो ये हिमाचल में ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किए हुए नोटिफाई हुए आज 16 वर्ष से ज्यादा का समय हो रहा है। परंतु प्रदेश में आगामी मॉनसून सीजन की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य सचिवालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी उपायुक्तों ने आगामी सीजन को देखते हुए जिला स्तर पर की गई तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से जानकारी दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में इस बार एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए उपायुक्तों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि नदी किनारे रह रहे प्रवासी मजदूरों को अन्य स्थानों पर बसाया जाए ताकि जान माल की हानि ना हो। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में इस बार एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को भी पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री का भंडारण करने के निर्देश दिए ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को अनाज की कमी ना हो। आज जो ये बैठक थी वैसे तो हर वर्ष होती है, बट इस वर्ष आपने सही कहा क्योंकि पिछली वर्ष की जो आपदा है उसको देखते हुए इसकी महत्ता और बढ़ गई है। आज बहुत लोग इस बैठक में शामिल थे, सारे विभाग थे, एसडीआरएफ से थे, एनडीआरएफ से थे, आईएमडी, सेंट्रल वाटर कमीशन और सारे डिप्टी कमिश्नर्स थे। तो सब ने एक तो अपनी अपना जैसे कि सीडब्ल्यूसी ने और आईएमडी ने सब ने अपना फोरकास्ट बताया कि इस बार आज की तारीख में क्या एक्सपेक्टेड है, मॉनसून की क्या पोजीशन है, और हमने स्टॉक लिया कि हमारे इक्विपमेंट्स की क्या पोजीशन है, सैटेलाइट फोन्स की क्या पोजीशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हम लोगों ने देखी कि पिछली बार भी हमने देखा था कि जो डैम में पानी जो बरस रहा था उसके बाद से डैम से जो पानी बहुत छूटा, तो उसके बारे में एक चिंता अभी भी व्यक्त की गई है। भारत सरकार द्वारा डाक विभाग को विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान शिविर लगाने के आदेशों का पालन करते हुए डाक विभाग ने रक्तदान के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेजा गया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए सोलन डाक मंडल अधीक्षक रामदेव पाठक ने बताया कि भारत सरकार ने डाक विभाग को इस दिन विशेष रूप से रक्तदान शिविर लगाने के आदेश दिए थे, जिसके चलते उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि करीब 42 यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। कि आपको पता है डाक विभाग आज जो है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है 14 जून 2024 को। इस संबंध में सोलन मंडल डाक मंडल को हिमाचल परिमंडल की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दोनों मुख्य डाकघर, सोलन डाकघर और नाहन मुख्य डाकघर में वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के अवसर पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत आज ही हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश सर्कल आज सुबह यहाँ पे आए थे और सारा जो सोलन मुख्य डाकघर और पोस्टल डिवीजन सोलन एवं सोलन शहर के अंतर्गत टाउन हमारे डाकघर हैं वहाँ के सभी। हिमाचल में भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में करीब 10 शहरों का तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। अमीरपुर के नेरी का तापमान सर्वाधिक 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं कई मैदानी क्षेत्र लू की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल के लिए 9 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि ये लू का अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, चांबा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले को दिया गया है। पिछले 24 घंटों में अगर मौसम की बात करें तो देखिए काफी क्षेत्रों में हीट वेव दर्ज की गई है। सबसे अधिकतम तापमान था वो नीरी में था 45.1 डिग्री सेल्सियस, वहीं सुंदरनगर में 41.3 था। तो देखिए अब बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, पालमपुर, धर्मशाला, शिमला, नाहन,
यहाँ पे हीट वेव कंडीशन दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में। और आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो देखिए अभी भी जो हमारे जो कुछ एक क्षेत्र जैसे चंबा है, लाहौल स्पीति और कुल्लू मंडी है, इसमें आज और कल के लिए हल्की बारिश हो सकती है शाम के समय में, परंतु जो हमारे जो बाकी जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं, यहाँ पे देखिए आगामी 4 दिनों तक मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा और जो दिन के तापमान है वो सामान्य से अधिक ही रहेंगे। पिछले 24 घंटों में जो एवरेज पूरे प्रदेश में ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आपका कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे जो दिन के तापमान है वो एवरेज 4 से 6 डिग्री अधिक दर्ज किए गए थे। और संभावना यही है कि ये देखिए आगामी 4 दिनों में भी जो दिन के तापमान है वो पूरे प्रदेश में एवरेज 4 से। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।